नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। जिलाधिकारी नगर निगम में नामांकन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। डीएम ने सभी 21 नामांकन कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी और फेयर इलेक्शन का दावा सी न्यूज से किया। निकाय चुनाव के नामांकन शुरू हो चुके हैं। नगर निगम में महापौर और पार्षदों के नामांकन हो रहे हैं और नगर पंचायत नगर पालिका परिषद के नामांकन उन्हीं जगह पर हो रहे हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी मौजूद हैं जो पूरी व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। डीएम साहब, क्या व्यवस्थाएं यहाँ रखी गई? देखिए, आगरा में पहले चरण में इलेक्शंस होने हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो नगर निगम के मेयर या फिर हमारे पार्षदों के जो नॉमिनेशंस हैं वो नगर निगम कार्यालय में ही होने हैं। यहाँ पर मेयर के पद के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर, साथ ही साथ पांच पांच वार्ड्स पर एक एक रिटर्निंग ऑफिसर, इस प्रकार कुल 21 रिटर्निंग ऑफिसर्स यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया को सकुशल सम्पन्न कराएंगे। हमारी जो नगर पालिका परिषदें हैं या नगर पंचायतें हैं उनकी नॉमिनेशन संबंधित तहसीलों में हो रही है और वहाँ उप जिलाधिकारी वो निगरानी कर रहे हैं। सभी जो नॉमिनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स की नियुक्ति की गई है ताकि कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे। पूरे जनपद को इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराने के दृष्टिगत 41 जोन्स और 128 सेक्टर्स में विभाजित किया है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स की नियुक्ति भी की गई है और उनकी ये भी जिम्मेदारी रहेगी कि अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हमारे सभी मतदान केंद्रों पर रहे ताकि हमारे मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही साथ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत वो ये सुनिश्चित करें कि फ्री एंड फेयर माहौल में इलेक्शंस कराए जा सके। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है तो उसका पालन कराने के लिए कितनी टीमें लगाई गई हैं? आदर्श आचार संहिता जैसी ही अधिसूचना हुई उसके बाद ही लागू हो गई है और हमारे यहाँ पर नगर निगम के अतिरिक्त यहाँ पर 5 नगर पालिका परिषदें और 7 नगर पंचायतें हैं। सभी जगह पर अलग अलग संख्या में टीम्स का निर्धारण करके और इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रारंभ कर दी गई थी और MCC को सही तरीके से अनुपालन कराने के लिए जो सारे हमारी नगर पालिका नगर पंचायतें जिन जिन तहसीलों में हैं उनके उप जिलाधिकारी को उसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। सिमिलरली नगर निगम क्षेत्र में ADM सिटी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के केस में जो आवश्यक कार्रवाई है वो भी की जाए, इसके लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। नामांकन परिसर में आने के लिए क्या डायरेक्शन है? देखिए, नामांकन परिसर में आने के लिए जो आयोग के निर्देश हैं उनका विधिवत अनुपालन कराने के लिए जो मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स सभी नामांकन केंद्रों पर लगाई गई है उनको व्यापक निर्देश दिए गए हैं। एक निर्धारित संख्या में ही जो हमारे अभ्यर्थी हैं या प्रस्तावित प्रस्तावक हैं वो जा सकते हैं और अपने फॉर्म्स इत्यादि कलेक्शन के संबंध में भी और चाहे नॉमिनेशन फॉर्म्स फिल करने के संबंध में भी जो निर्धारित संख्या है उसी संख्या में जा सकते हैं। इस चीज़ को एनफोर्स कराने के लिए मजिस्ट्रेट्स और फोर्स हमारी सभी नामांकन केंद्रों पर मौजूद हैं। तो यहाँ नामांकन की पूरी तैयारी है। ये जो नामांकन की बैरिकेडिंग की गई है, जो नगर निगम के प्रवेश द्वार से घुसेंगे उसके साथ ही उन्हें DPMT से होकर गुजरना होगा। वहाँ से सीधे वो यहाँ नामांकन कक्ष जो बनाए गए हैं, वार्ड वाइज और महापौर का नामांकन कक्ष है, वहाँ तक जो कैंडिडेट जाएंगे उनके साथ उनके प्रस्तावक जाएंगे और वह अपना नॉमिनेशन फाइल कर सीधे से निकल जाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन पूरी तरीके से कराने के प्रबंध जिला प्रशासन ने किए हैं। इसके साथ ही फेयर इलेक्शन कराने के लिए भी कवायद जारी है। नगर निगम से अपने साथी इकबाल और कमल के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।